कमिंग स्टूडेंट, टुडेज वी आर लर्न टू ग्रामर सब्जेक्ट लेसन नंबर टू. लेसन नंबर टू, द जंबल वर्ड्स. रिरेंज द जंबल वर्ड्स टू फ्रॉम सेंसिबल सेंटेंस. फर्स्ट एग्जाम, अ पेन हैव आई. अ पेन हैव आई मतलब ये जंबल वर्ड से उसको क्या करने का है, सीधा करने का है. यानी उसमें देखो, अ पेन हैव आई, आई हैव अ पेन मीन्स क्या किया है उसको, तो रिरेंज यानी वो जंबल था उसको सीधा करके लिखने का है. वेरी गुड अ वॉइस शी हैज. तो इसमें कैसे करेंगे हम, उसको क्या करने का है, रीरा मतलब सीधा करके लिखने का है. फर्स्ट, शी हैज़ अ वेरी गुड. शी हैज़ अ वेरी गुड, उसका क्या हुआ है, जंबल वर्ड से उसको क्या किया, सेंटेंस सेंसिबल सेंटेंस किया है. अभी देखो उसमें से, इसमें देखो, मोती कॉल अ हैव डॉग आई, ये जंबल वर्ड्स दिया है. मीन्स आई हैव अ डॉग कॉल मोती. आई हैव अ डॉग कॉल मोती. देखो सिंपल्स, देखो शी इज अ गर्ल, शी इज अ गर्ल ए सेंसिबल सेंटेंस. बट जंबल सेंटेंस, जंबल सेंटेंस गर्ल शी इज, नो रॉन्ग, बट शी इज अ गर्ल ए सेंसिबल सेंटेंस है. वैसा ही ये सब क्या, ये इसमें करने का है, यानी कि सेंसिबल सेंटेंस करके लिखने का है. यानी कि जंबल वर्ड ये सब आपको क्या करने का है, राइट डाउन इन योर वर्ड बुक एंड सेंड मी. ओके, एंड देखो, ब्रदर नेम इट ऑफ कैट माय इज पेजी. तो माय कैट नेम इज क्या है, बराबर पेजी है ना. तो राइट इन योर वर्ड बुक एंड सेंड मी. ओके, अंडरस्टैंड, ओनली सेंसिबल, राइट द सेंसिबल सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट लेसन नंबर थ्री, द नाउन. नाउन्स मीन द नाउन, नाउन्स मीन लुक एट द, देखो नाउन्स. अभी माय नेम इज प्रतिभा टीचर, यानी कि नाउन्स प्रतिभा, नो नाउन्स टीचर, प्रतिभा नेम. नाउन मीन्स नेम. नेम्स किसको किसको होता है, आपको भी है नेम्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, टेम्पल नेम्स एंड गर्ल नेम. यानी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स, सबको क्या है उसमें, नाम है. मतलब वो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, तो नाउन, नाउन्स में मीन्स नेम. ओके, लुक एट द पिक्चर्स, रीड. देखो फर्स्ट पिक्चर्स गर्ल्स, फर्स्ट पिक्चर गर्ल्स, सेकंड टेम्पल, थर्ड मंकी, पैरट एंड टेबल. ओके, तो गर्ल्स टेम्पल मंकी पैरट टेबल आर नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, बर्ड्स और थिंग आर कॉल्ड नाउन्स. मैंने अभी आपको हिंदी में बताया ना, नाउन, नाउन मीन्स नेम, किस किस का नेम रहता है, नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस,
एनिमल्स एंड बर्ड्स और थिंग, और भी चीज़ हो उसको भी क्या होता है, नेम्स होता है, यानी कि मीन्स नाउन होता है। तो फर्स्ट अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स नाउन। जैसे कि देखो, पर्सनल मतलब प्रतिभा माय नेम यानी नाउन, प्लेस प्लेस यानी के बदलापुर, एनिमल्स नेम मंकी और टाइगर, पैरोट नेबर्स नेम पैरोट। ओके, अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स नाउन्स। बर्ड्स ले एग इन अ नेस्ट। बर्ड्स अंडरलाइन नेम वर्ड, बर्ड्स मीन नाउन, ले इन अ नेस्ट यानी कि बर्ड्स नाउन। द सन इज अ बिग स्टार, टेल मी नाउन, टेल मी नाउन वर्ड्स। द सन इज अ बिग स्टार, सन मीन्स सन। ओके, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, फ्लावर्स एंड नाउन्स यानी फ्लावर्स ने नाउन। राजू बॉट अ शर्ट एंड अ पेन, राजू के राजू मेन नाउन नेम राजू, सन स्टार फ्लावर्स नेस्ट यानी के मीन्स नाउन। बट सेकंड क्वेश्चन फाइव, द जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक, जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक यानी कि जिराफ इज एनिमल, जिराफ एनिमल्स नेम यानी नाउन नेम, नाउन मीन्स नेम बट एनिमल्स नेम जिराफ यानी एनिमल का क्या है उसका नेम है। राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स बिगनिंग विद द फॉलोइंग लेटर्स, मीन्स आपको क्या करने का है इसमें सेकंड क्वेश्चन में, इसमें एनिमल्स का क्या करने का है, नाम लिखने का है यानी कि सी, सी से कैमल कैट, सेकंड एल लायन यानी कि और भी होगा हॉर, एच ए जी टी आर, राइट डाउन एनिमल्स नेम द फॉलोइंग लेटर्स। Some words go in pairs. Write the words that often. The words given below. मतलब इसमें क्या करने का, pairs मतलब जोड़ी लगाने का है। Choose the correct words from the brackets to complete the pair. मतलब उसको क्या करने का है, match the follow करने का है, matching करने का है। Needle and thread. फर्स्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर। ब्रश एंड कॉम, ये क्या करने का, आपको ये ढूंढने का है और उसके क्या करने का है, जोड़ी लगाने का है। जैसे मैंने अभी तीन बताया वैसे ही तीन आपको क्या करने का है, लिखने का है। राइट इवन वर्ड बुक एंड सेंड मी। बस क्वेश्चन नंबर फोर, पिक अप एनी दे टेन नाउन फ्रॉम द पिक्चर, इसमें नाउन कौन कौन से है पिक्चर्स में वो आपको क्या करने का है, लिखने का है। जैसे कि बस, टेबल, शॉप, ट्री है बाजू में वो लिखने का, मैन, वुमन, ये क्या है नाउन, जो नाउन है तो राइट डाउन इन योर वर्ब बुक। फर्स्ट यानी लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट द मिसिंग लेटर, मिसिंग लेटर्स कौन कौन सा है इसमें, टीचर, तो टीचर की स्पेलिंग, जिराफ की स्पेलिंग, पेंसिल यानी उसको मिसिंग वर्ड्स दिए है वो आपको लेटर, मिसिंग लेटर आपको लिखने का है। ओके, फर्स्ट सम नाउन्स आर गिवन बिलो, अरेंज देम इन द प्रॉपर कॉलम, एक कॉलम है और इधर ऊपर क्या दिए नाउन, सम नाउन्स आर गिवन, पर्सन, प्लेस।
एनिमल्स एंड थिंग। फर्स्ट में पर्सन यानी आपको लिखने, पर्सन क्या है, पुलिस हो, टीचर हो, यानी के वो वर्ड्स इसमें दिए, वो इसमें से क्या करके ढूंढ कर आपको लिखने का है। पर्सन हो तो पर्सनल में लिखने का, नाउन प्लेस नाउन लिखने का, एनिमल्स नाउन लिखने का, एंड थिंग यानी जो चीज़ होती है वो नाउन के नाम इधर क्या करने का है, लिखने का है। ओके एंड पिक आउट द वर्ड्स विच आर, इसमें क्या करने का है, वर्ड्स क्वेश्चन नंबर, राइट देम इन द ब्लैंक गिवन, मतलब क्या करने का है, देखो जो इसमें बैठता नहीं वर्ड्स, मतलब पेन पेंसिल राइट बुक रबर ये सब है। फर्स्ट में देखो स्मॉल है पैरोट है, स्मॉल है क्राउ ईगल, बराबर, तो इसमें से नाउन कौन सा नहीं है, मतलब इसमें नाउन वर्ड्स नहीं है, उसको क्या करने का है, तो इसमें लिखने का है। अभी स्पैरो क्या है, स्पैरो बर्ड्स नेम, पैरोट बर्ड्स नेम, स्मॉल बर्ड्स नेम है नो, तो थिंग थिंग दे वो क्या बर्ड्स नेम नहीं है, क्रो है, ईगल है, मतलब ये क्या है बर्ड्स नेम है बट स्मॉल इज नॉट बर्ड नाउन, बर्ड्स नाउन, ओके यानी बर्ड्स नेम नहीं है। और सेकंड में फर्स्ट में देखो पेन पेंसिल राइट बुक रबर, ये क्या है सब, देखो पेन अपना मतलब क्लास का है, पेंसिल है, राइट ये नया नाउन है क्या, हम लिख बोलते हैं कि हमें उसका नाम राउट है यानी कि माय नेम इज़ राइट, ऐसे हम बोलते हैं क्या, नो, तो पेन पेंसिल बुक रबर बट नाउन, राइट ने वर्ड राइट ने वर्ड्स नो नाउन्स यानी के राइट इन देर राइट, ओके। वैसे भी हैंड्स लेग हेड और फुट, एक है अपने बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट्स नेम नाउन, हैंड लेग हेड ऑल ये बॉडी नेम है क्या, नो, तो क्या है इसमें वो एक्शन वर्ड्स है, इसलिए ये इसमें लिखा गया है, ये भी करने का है आपको, डू योर वर्क। गिव वन ए वर्ड्स राइट नेम ऑफ द रिलेशन, मतलब ये रिलेशन मम्मी पप्पा मदर फादर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर मदर फादर सिस्टर्स यानी कि वो भी क्या करने का है, इसमें आपको लिखने का है राइट राइट इन योर वर्ड बुक, ओके अंडरस्टैंड, यानी वर्ड बुक कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको ये करने का है, डू दिस, ओके अंडरस्टैंड, ओके बाय।